ले लो भाई, बढ़िया बढ़िया सेव फल है, ताजा मीठे सेव है, ले लो भाई 50 रुपए किलो है, जल्दी आओ जल्दी पाओ। मोदी जी तुम भाव तो ठीक लगा रहे हो, तुम्हारी सेव कहीं अंदर से सड़ी गली तो नहीं है, कम भाव में बेच रहे हो। अमित शाह तो बाजार में 80 रुपए किलो बेच रहे हैं। बात क्या है मोदी जी, इतना ऊंचा नीचा क्यों बेच रहे हो? अरे राहुल भैया, बात ऐसी है कि अमित शाह जी सेव खरीदते हैं मंडी से, तो उनको मंडी से 50 रुपए किलो में मिलती है, तो इसलिए वो 80 रुपए किलो बेचते हैं। और मैं अपने घर की ही सेव बेचता हूँ, मेरे घर पर मैंने सेव का पेड़ लगाया हूँ। ये सेव बिना खाद बीज की और शुद्ध शाकाहारी है, और घर की ताज़ा सेव है। अभी देखो इनके पत्ते भी हरे हैं, इसी कारण मैं कम भाव से बेचता हूँ। मोदी जी, मैंने पूरा जिला छान लिया है, पर मेरे को कहीं भी सेव का पेड़ नहीं दिखाई दिया, और तुम बोल रहे हो कि मेरे घर पर सेव का पेड़ है। मैं इतना चलता फिरता आदमी हूँ, मेरे सामने झूठ मत बोलो। अरे योगी जी, तू तो रहने दे, तेरे को ये नहीं पता कि अखिलेश ने गांव में सेविंग और कटिंग की दुकान खोली है, 1 साल हो गया है, पर तू तो 1 रुपए की ब्लेड लेकर आता है, घर पर ही अपने माथे पर फेर लेता है और सपाचट हो जाता है। तेरे को ये नहीं पता कि सेविंग की दुकान खुल गई है, तेरे को तो तेरे घर की खबर नहीं है, और बोलता है कि मैं चलता फिरता आदमी हूँ। तेरे खानदान में भी किसी ने सेव देखी थी? मोदी जी इसका क्या, ये तो फेंकू आदमी है। तुम तो एक काम करो, 5 किलो सेव तोल दो। अरे राहुल भैया, 5 किलो तो नहीं है, 4-4.5 किलो के करीब है, मैं तोल देता हूँ। अरे मोदी जी, मेरे को भी 1 किलो सेव फल देना। अरे योगी जी, ये सारी सेव फल तो राहुल भैया ने खरीद ली है, अब मैं तुमको कहाँ से दूँ? अरे क्या बात करते हो मोदी जी, अरे मैं 60 रुपए किलो के हिसाब से पैसे दूंगा, पर मेरे को 1 किलो सेव फल दे दो। अरे मोदी जी, तुम इसको मत देना, मैं 70 के भाव से दूंगा, पर इसको 1 भी सेव फल मत देना, तुम सारी सेव फल मेरे को ही दो। नहीं मोदी जी, मेरे को तो 1 किलो सेव फल चाहिए, चाहे तुम 100 रुपए किलो लगा लेना, लेकिन मैं 1 किलो सेव फल तुमसे जरूर लूंगा। अरे उजड़े चमन, सर पर बाल नहीं, जेब में माल नहीं, और बोल रहा है कि 100 रुपए किलो लूंगा। मोदी जी, तुम इसको 1 भी सेव फल मत देना, मैं तुमको 150 रुपए किलो के हिसाब से पैसे दूंगा, पर तुम सेव फल सारे सेव फल मेरे को ही देना। अच्छा लो राहुल भैया, ये सारे सेव फल ले लो, ये लो मोदी जी 150 रुपए किलो के हिसाब से अपने पैसे। देखा राहुल बेटा, तेरे को मैंने बोला था ना कि मैं चलता फिरता आदमी हूँ, मैंने तेरे को बैठे बैठे यहीं पर चला दिया, 50 रुपए किलो की सेव फल को तेरे को 150 रुपए किलो में खरीदवा दिया। मेरे सर पर बाल नहीं है, मैं उजड़ा चमन हूँ, तो क्या हुआ, अंदर से हरियाली है हरियाली, इसलिए तेरे को लोग पप्पू कहते हैं। और भाई और बहनों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय भोलेनाथ सबके साथ। मोदी जी, हमारे लिए भी तो चावल लेके आओ। ये क्या है, पहले कड़ी लेकर आ गए? अरे भाई मोदी जी, निश्चित कड़ी पिलाओगे क्या? बड़ी मुश्किल से तो कई सालों बाद तुम अपने घर पर भंडारा करा रहे हो, जिसमें भी कंजूसी दिखा रहे हो। राहुल मैं क्या करूं, मैं खुद परेशान हूं, मैं अकेला हूं परसने वाला, और इतने सारे लोगों को जिमा रहा हूं। पहले मैंने आगे चावल और कड़ी दोनों परस दिया हूं, इसके बाद मैं पीछे आया हूं, तो मेरे पास कड़ी बची थी, तो मैंने सोचा कि पहले तुमको कड़ी दे दूँ, इसके बाद मैं चावल दे दूँगा। दोनों को मिलाकर ही तो खाओगे, ऐसा तो नहीं कि तुम अलग अलग करके खाओगे। मैंने अखिलेश और योगी को बोला था कि परसने में मेरी मदद कर देना, मैं तुमको मजदूरी दे दूंगा, पर भुक्कड़ होन तो पहले ही बैठ गए जिमने के लिए। मोदी जी, तुमने हमको जिमाने के लिए बुलाया है कि बातों से ही पेट भर दोगे? पहले चावल तो दो, फिर कड़ी देना। कड़ी चावल के ऊपर अच्छी लगती है, नीचे नहीं। राहुल भैया सही बोल रहा है, पर तुमको मिर्ची लग रही है। मैंने भी तुमसे बोला था, जब मेरे घर पर भंडारा था, मैंने भी बोला था तुमसे कि पहले जिमा दो, मैं भी तुमको मजदूरी दे दूंगा, लेकिन तुम तो पहले ही बैठ गए थे, पहली पंगत में सबसे आगे बैठे थे, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अरे योगी जी, मोदी जी को हरी लाल मिर्च क्यों खिला रहे हो? पर बात तो तुमने मुद्दे की बोली है, बोली है ऐसी बोली जैसे बंदूक की गोली है। केजरीवाल जी, तुम्हारे मुंह में भी जुबान आ गई, अभी तो चुपचाप बैठे थे, ये ठंडे बादल कब से बरसने लगे? अरे मोदी काका, पहले मेरी बात सुनो, तुम तो इन सबको रहने दो, पहले मेरे को यहाँ कड़ी दे दो, चावल में कड़ी कम पड़ रही है, चावल सूखे रह गए हैं। अरे वाह बेटा अखिलेश, तू तो अपने आप को बड़ा सियाना समझता है, ये सब लोग क्या बेवकूफ़ है? मैं पहले तुमको अगर कड़ी दे दूंगा तो ये लोग मेरे को अभी तो बात का जूता मार रहे, बाद में मेरे को लाश से मारेंगे, अभी तुम चुपचाप बैठो, पहले इनको दे दें दो, इसके बाद मैं तुमको दूंगा।
और भाई और बहनों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। भोलेनाथ सबके साथ। अरे योगी जी, ये क्या बात हुई? अमित शाह ने हमारे पटल में ये क्या भरोसा है? रोटी और नमक? अरे ऐसी दावत तो हमने कभी ना देखी और ना कभी सुनी है। भला नमक के साथ कौन रोटी खाएगा? मुझे पहले पता होता कि अमित शाह भंडारे में नमक और रोटी खिलाएंगे तो मैं बस पर बैठकर 10 रुपए किराया लगाकर कभी भी भंडारा खाने नहीं आता। अरे इन्होंने तो चिट्ठी में लिखा था कि सब्जी पूरी और मालपुआ खिलाएंगे, इसलिए तो मैं खाने के लिए आया। सोचा था कि मालपुआ जी भर के खाऊंगा। क्यों अखिलेश, कैसे बैठे हो? चलो यहाँ से। मोदी जी, ये बात तो मेरे को भी हजम नहीं हुई। हमको चूतिया समझते हैं अमित शाह। चिट्ठी में लिखते कुछ हैं और खिलाते कुछ और ही हैं। मैं तो शक्कर समझकर 2-4 गप्पे खा गया। मेरा तो मुंह कटा जा रहा है। मोदी जी, एक राज की बात बताऊं? अमित शाह ने रोटी बनाने वाले और सब्जी बनाने वाले और मालपुआ बनाने वाले 3 आदमी को बुलाया था, जिसमें से रोटी बनाने वाले ने रोटी बना दी, क्योंकि वो अमित शाह का बर्थडे था इसलिए उसने रोटी बना दी। लेकिन मालपुआ बनाने वाले और सब्जी बनाने वाले ने मना कर दिया, क्योंकि अमित शाह उनको 400 रुपए ही दे रहे थे मजदूरी, इसलिए उनका सौदा नहीं पटा। और रिक्जिक करते करते सुबह हो गई, तो अमित शाह ने सोचा कि रोटी के साथ नमक ही खिला दिया जाए। पर योगी जी, सब्जी नहीं बनी थी तो क्या हुआ? होटल से बुला लेते, मालपुआ को भली गोली मार देते। मैंने तो खीर समझकर 2 गप्पे खा गया हूँ, मेरी तो जीभ कट रही है। अगर मैं ज्यादा खा लेता तो मेरे तो पेट की आतरी पोतरी कट जाती। चलो योगी अखिलेश, यहाँ से चलो, मैं तो अब नहीं खाऊंगा नमक और रोटी। चलो भाइयों और भाइयों बहनों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भोलेनाथ सबके साथ।